नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा कौल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा पर सबूत दो, कार्रवाई की गारंटी मैं लेता हूं, कहा इमरान खान ने। कश्मीरी माताएं कराएं आतंकी बेटों को सरेंडर, वरना जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा, कहा सेना ने। पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, मेजर समेत 5 जवान शहीद, एनकाउंटर खत्म। और सुधरते हालात को देख शहर में 5वें दिन कर्फ्यू में दी गई ढील। अब समाचार विस्तार से। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने भारत को दबी जुबान में युद्ध की धमकी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर हम पर हमला किया गया तो पाकिस्तान खुला जवाब देगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। अगर भारत की सरकार हमें कोई सबूत देगी तो हम इस मसले पर जाँच करने के लिए तैयार हैं। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि पिछले 15 साल से हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हर बार कश्मीर में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हिंदुस्तान कोई जांच कराना चाहता है तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद पर बात करने के लिए भी तैयार हैं, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि एक नई सोच आनी ज़रूरी है। कश्मीर के नौजवानों पर से आज मौत का डर ही उतर चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी कश्मीर को लेकर बात होनी चाहिए। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाकया हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाजे तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज,
जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। जम्मू कश्मीर में हाल में ही सीआरपीएफ के बस पर हुए आतंकी हमले और मुठभेड़ में शहीद हुए कई जवानों और उसके बाद सेना द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान सेना के अधिकारी चिनार कॉर्प्स के कॉर्प्स कमांडर कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि उन्होंने आतंकी हमले के 100 घंटे के अंदर ही इसके दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया। इसके साथ ही सेना अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के भटके हुए उन युवाओं को सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन माताओं के बच्चे भटक गए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें समझाकर आत्मसमर्पण कराएं। इसके लिए सरकार की पॉलिसी भी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी कामरान समेत आतंकी संगठन जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान एक मेजर समेत 4 जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। क्रॉस फायरिंग में एक पत्थरबाज भी मारा गया। 17 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, डीआईजी पुलिस समेत सुरक्षा बलों के 9 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने रविवार की आधी रात के बाद लगभग 1:30 बजे जिले के पिंगलीना इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घेरा सख्त होता देख एक मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से रात लगभग 1:30 बजे मुठभेड़ शुरू हो गई। रात भर रुक रुक फायरिंग होती रही। इस बीच सुबह सुरक्षा बलों ने दोबारा जोरदार तरीके से ऑपरेशन शुरू किया। इसमें जैश के 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली। पुराने शहर में पिछले 72 घंटों के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न होने के बाद आज जिला प्रशासन ने 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी। प्रशासन ने मंगलवार को हालात की समीक्षा करने के बाद नवाबाद सिटी तथा पकाजंगा थाना क्षेत्र में 11:30 बजे से 1:30 बजे तक 2 घंटे की ढील दी। कर्फ्यू में ढील की सूचना मिलते ही लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले। वहीं जिला प्रशासन ने बख्शीनगर, जानीपुर, बागे बहू तथा गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अधीन क्षेत्रों में भी 3:30 से 7 बजे तक की ढील दी। जिन इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई, उन इलाकों में देखते ही देखते पेट्रोल पंपों पर इतने लोग अपनी गाड़ियों को लेकर पहुंच गए कि उन्हें संभालना भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो गया। पेट्रोल पंप कर्फ्यू लगने के बाद शुक्रवार से बंद थे। ढील मिलने पर पुराने शहर के बाजार भी गुलजार हो गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े और घरों के लिए जरूरी सामान खरीदने पहुंच गए। लोग काफी समय से कर्फ्यू हटने का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा भीड़ राशन और सब्जियों की दुकानों में दिखी और लोगों ने सप्ताह भर का राशन घरों में इकट्ठा कर लिया ताकि कर्फ्यू अगर आगे बढ़ता है तो वो घर की जरूरत को पूरा कर सके। कल जम्मू साउथ का एरिया हमने रिलैक्स किया, आज सुबह 1:30 तक सिटी का एरिया रिलैक्स किया। अभी 3 बजे से जो है आपका जो पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, पक्काडंगा, बख्शीनगर, जानीपुर का एरिया, उसको कर्फ्यू रिलैक्स किया जा रहा है। 3 से 5 बजे तक रहेगा रिलैक्सेशन, जिसके अंदर जितने भी वहाँ के लोग हैं, एसेंशियल कमोडिटीज को इंक्लूड कर सकते हैं और जितने भी वहाँ पर काम कर सकते हैं, उसके रेस्पॉन्स के बाद में अगली डिसाइड की जाएगी। यहाँ पर भी 144 पर वहाँ पर इंक्लूड रहेगा, किसी तरीके की गैदरिंग या प्रोसेसर किसी तरीके का अलाउ नहीं रहेगा। इसके बाद में जो है 3:30 से हम जम्मू साउथ का जो एरिया है, जिसमें गांधीनगर, बहुफोर्ड पुलिस स्टेशन, भागे बहु पुलिस स्टेशन, गंगेयाल, सतवारी का पुलिस स्टेशन, वहाँ 3:30 से लेकर के 7 PM तक, 7 बजे तक वहाँ पे रिलैक्स रहेगा, जहाँ से कि लोग अपने सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रहे। 144 वहाँ पर भोज रहेगा, वहाँ पर भी किसी भी तरीके की वाइन शॉप हो जैसे में डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं खुलेगी, रिलैक्स रहेगा। फिर इसके बाद में रेस्पॉन्स के बाद में सिचुएशन को असेस किया जाएगा और पूरी तरीके से स्थिति जो शांतिपूर्ण है, कंट्रोल है,
पेट्रोल पंप आपने देखा जो साउथ में खुले हैं, आज भी कुछ जगह पे खुलवाए गए हैं, यहाँ पर सेंसिटिव जगह नहीं है, वहाँ पर सभी जगह खुलवाए गए हैं, जिससे लोगों को चीज़ की प्रॉब्लम। हमने कहा कि कर्फ्यू की जो डील इन्होंने आज दी है, ये दो दिन पहले दे देनी चाहिए थी, दो दिन पहले दे देनी चाहिए थी हमको, क्योंकि इतने हालात खराब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक जम्मू के जो लोग हैं, ये एक भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है यहाँ पर सभी एक है। लेकिन कर्फ्यू लगाकर इन्होंने ये बता दिया कि कश्मीर जैसे हालात जम्मू में पैदा हो गए हैं। मैं लोगों से भी ये प्रार्थना करूँगा कि आप किसी भी रूमर पर ना जाएँ। कश्मीर वाले यही चाहते हैं कि जैसे कश्मीर डिस्टर्ब है, इस तरह जम्मू भी डिस्टर्ब रहे। तो मैं यही कहूँगा सभी जम्मू वासियों से कि एकता बनाए रखें और एकता पर ध्यान दें, दूसरा गाँव में मत जाएँ। दूसरा जो मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कर्फ्यू में 1.5-2 घंटे की डील दी है, इसकी वजह देखें कि अगर कोई ऐसी वारदात नहीं होती है तो इस कर्फ्यू को बढ़ाकर कल पूरा जम्मू को खोल देना चाहिए, ताकि लोगों को हॉस्पिटल में आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। दुकानें बंद हैं, मेडिसिन मिल नहीं रही है, दूध मिल नहीं रहा है, लोग यहाँ से काफ़ी परेशान हैं। ये लोगों को थोड़ा सा रिलैक्शन देना चाहिए, 4-5 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगाए हुए। जो गरीब लोग हैं उनको वो सफ़र कर रहे हैं, दूध देने के लिए जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको थोड़ा सा जितना भी हो सकता है डील को बढ़ाना चाहिए। जो अभी 2 घंटे की दी है, मैं चाहता हूँ 4-5 घंटे और देने चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जनता है, वो अपना घर का सामान लेके बाज़ार में जा सके, सब्जी दूध दही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में प्यार विश्वास बना के रखें, इस माहौल को शांत कीजिए। और प्रशासन से, DC साहब से, राज्यपाल से, गवर्नर से अपील करता हूँ, जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, जो लोगों के बीच में जा सके। जो पुलिस प्रशासन लगाई है JKP, वो ना कर्फ्यू पास मान रही है ना कुछ मान रही है। मैं उनसे अपील करता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेटर जो बने हैं, लोगों ने चुन के उनको बनाया है, चुन के लोगों ने जिता के बनाया है, उनको ये सहूलत मिल जाए। उनको IC कार्ड दिए गए हैं, JMC ने दिए गए हैं, उनको मिलनी चाहिए। बाहर रोड में जा सके लोगों से अपील करनी चाहिए, शांति का माहौल बनाना चाहिए, जितना भी हो सकता है इस डील को और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही प्रशासन से अपील करता हूं कि यहां की जम्मू की जनता बहुत अच्छी है, डोगरे बड़े अच्छे हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखें। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिषद के प्रधान लीलाकरण शर्मा ने जम्मू में मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव नहीं है और इस तनाव को ये रंग नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर समस्या है तो उसकी वजह राष्ट्रवादियों और राष्ट्र विरोधियों के बीच है। उन्होंने इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहले तो सभी शहीदों को, पुलवामा के शहीदों को शत-शत प्रणाम। उनके ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को संवेदना दे के वो इस लाश को बर्दाश्त करें। जो जहाँ जहाँ ये उपद्रव हुआ है, ये उन जगहों पर हुआ है जहाँ पर एंटी नेशनल स्लोगन्स लगे गए हैं, जहाँ पर रात को पटाखे चलाए गए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये किसी समाज के खिलाफ झगड़ा नहीं था, ये सोशल एंड नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के दरमियान ये झगड़ा हुआ है। इसको खामखा में तूल दिया जा रहा है कि ये फिरका परस्ती हुई है, ये इसका ऐसा किसी फिरके के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ। और वो उनको खिलाफ अगर इन्होंने वक्त से कार्रवाई की होती, उनको अरेस्ट किया होता, तो ये उपद्रव नहीं होता। तो अब भी हमारी डिमांड है कि ये जो है जैसा एलिमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कौन है, उनको फौरन अरेस्ट किया जाए। दूसरा जो है कि जो JKP जो बदतमीजी कहाँ कर रही है जम्मू में, ऐसा ना हो कि वो 2008 के हालात पैदा हो जाए। अगर इस किस्म के जो इन्होंने अंदाज़ा किया तो उनको हटाया जाए, JKP और CRP को लगा दिया जाए, कोई बात नहीं है। वो बड़े प्यार से लोगों से पेश आते हैं, लेकिन ये इस किस्म की बदतमीजी अगर करेंगे तो फिर जम्मू समाज उसको बख्शेगा। आज ऑल जम्मू सिविल सोसाइटी फोरम और डोगरा सदर सभा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई।
इस अवसर पर डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, परंतु कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं थी, धारा 144 ही काफी थी। उन्होंने कहा कि इस कर्फ्यू के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बात तो कब किसने क्या कहा, कश्मीर की तरफ से डिफरेंट आवाजें निकल रही हैं। जो भी बात एंटी नेशनल लगती है, नेशन के खिलाफ है, उसके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट ने लेना ही चाहिए। यहाँ तक तो वो लीडर जो कश्मीर के अंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तरह तरह की अपनी बातें करते हैं, कश्मीर में कुछ और, जम्मू में कुछ और, दिल्ली में और, उनको अब क्लियर होना पड़ेगा। अब हमारा क्लियर मैसेज है कि डोगरा सदर सभा या जम्मू की सिविल सोसाइटी को इस बात की चिंता है कि जिस रियासत को, जिस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू रहनुमाओं ने भी और महाराजाओं ने भी कितना गुलदस्ते की तरह रखा, आज वो तोड़ने की एक साजिश है। और इसमें बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के बीच के लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उस माहौल खराब को खराब करना करने की कोशिश करते हैं। हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। आज गुरु रविदास जी के 642वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु रविदास सभा राजपुरा मंगोत्रिया में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन भी किया और माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं इस अवसर पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता अशोक जोगी ने लंगर का आयोजन किया था तथा श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। आज श्री गुरु रविदास महाराज का 642वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जिस सिलसिले में हमने 17 तारीख को शोभा यात्रा निकालनी थी, पर हमारे देश के नौजवान जो 40 सीआरपी के नौजवान थे वो शहीद हुए श्रीनगर में, उनकी याद में हमने यहाँ पर एक सत्संग रखा और शोक सभा बुलाई की और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि भेंट की कि वो हमारे देश के बच्चे थे, शहीद हुए, उनके परिवारों के लिए भी हमने दुआ की। तो आज ये 642वां प्रकाश उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरी रियासत में मनाया जा रहा है। आज भारत रक्षा मंच द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने इस अवसर पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के इस हमारे छत्रपति शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि ये कार्यक्रम हमारे भारत रक्षा मंच के माध्यम से इस गौशाला परिसर में हो रहा है, हम ये आज का जो कार्यक्रम है, जैसे उन्होंने अपने वर्चस्व की पताका पूरे भारतवर्ष में अपने फैलाई थी हमारे छत्रपति शिवाजी ने, ऐसे ही हमारे वीर सपूत, हमारे वीर सैनिक जो एक दो दिन पहले ही अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीदी उन्होंने प्राप्त करी है अवंतीपुरा में, हम उनके श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि के उनके चरणों में नमन करते हुए हम यही आशा करते हैं कि उनकी जो हमारे रण बांकुरे हैं, उनके खून का एक एक कतरे का जो बदला है वो हमारे केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी अवश्य लेंगे। आक्रोश की ज्वाला हर एक जन के अंदर प्रज्वलित है, सभी इसी प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हैं। हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे केंद्र में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी उड़ी के जो हमारे शहीद हुए थे उनका बदला एक सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से लिया था, लेकिन आज उसका प्रतिशोध जो हमारे अवंतीपुरा में हमारे शहीद सैनिक हुए हैं उनका प्रतिशोध जो है वो किस माध्यम से लेंगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और हमारी जनता जो अपने अंदर जो ज्वलंत ज्वाला से अंकुरित है वो सब इसी रोष प्रकट कर रहे हैं सड़कों पे। हम इस भारत रक्षा मंच के माध्यम से उन इस जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जोर जोर वत्सना करते हैं और यही करते हैं कि जैसे शहीद हमारे जो हमारे शिवाजी है
उनको हम आज तक याद कर रहे हैं, ऐसे ही हम उन शहीदों को भी उम्र इतिहास के रूप में हम अपने दिलों में जीवित रखेंगे। धन्यवाद जी। भारत चलो भारत माता की जय। आज भाजपा के कच्ची छावनी स्थित कार्यालय में एमएलसी जीएल रैना ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू में स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी कि यहां पर कर्फ्यू पिछले 5 दिनों से जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि इसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो जो हमें लग रहा है कि ये कुछ लोगों के दबाव में आकर कर्फ्यू को इतना प्रोलॉन्ग किया गया, कुछ पॉलिटिशियंस के जो जम्मू के राष्ट्रनिष्ठ समाज को बदनाम करने पर तुले हैं, उसको डेमोनाइज करने पर तुले हुए हैं। एक दूसरा, फिर अगर कर्फ्यू मान लीजिए प्रिवेंटिव मेजर्स के नाम पर आपने लगाया भी है, तो लोगों की जो बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, कई डायबिटीज पेशेंट से डायलिसिस नहीं हो रही है, मुझको आज सवेरे एक पेशेंट को सुभाष नगर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, सरकार ने कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि लोग हमारे ये सिटीजन है, पीस लविंग सिटीजन है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उनकी दिक्कतों को बढ़ाने की जगह उसका कोई ना कोई रास्ता, ठीक है आप कंट्रोल कर दीजिए, आप कोई मिसक्रिएंट्स हैं चाहे वो कहाँ के भी हैं, उनको हैंडल करना है, उसको कोई नहीं कहता आपको नहीं करिए, लेकिन जो बाकी आम शहरी है, जो आम सिटीजन है, नागरिक है सिटी का, उसकी दिक्कतों को भी तो ध्यान में रखिए, उसकी परेशानियों को ध्यान में रख लीजिए। गत दिवस पलवाल ब्लॉक के रकबन क्षेत्र में समाज सेवक बाबा चंचल सिंह ने हाल ही में क्षेत्र में स्थानांतरित एसपी रूरल दुष्यंत शर्मा के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय पंचों और सरपंचों ने एसपी रूरल को सम्मानित कर क्षेत्र में स्वागत किया। वहीं एसपी रूरल दुष्यंत शर्मा ने भी सभी पंचों और सरपंचों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समाज सेवक बाबा चंचल सिंह ने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात रखी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज का जो माहौल है इसमें हम सबको एक साथ मिलकर चलना है और बच्चों को और जो फैमिलीज के जो उनके पेरेंट्स हैं उनका फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों को समझाएं कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि एक हमारा जो भाईचारा है, जो हमारा पीस है, जो हम सभी चाहते हैं कि शांति बनी रहे और उसमें कोई रुकावट ना आए, और एक अच्छा जो जम्मू के जो बच्चे हैं वो अच्छी जैसे स्पोर्ट्स में और बाकी जो बुरी आते हैं उससे दूर रहें, जैसे ड्रग्स में हो गया जाओ और कहीं जो ऐसे आते हैं जिससे कि मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो है उसको नुकसान होगा, और मैं इनका बाबा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, और इस तरह से सभी जो सरपंचज हैं जो एक्स सरपंच रहे हैं इस इलाके के, वो सभी यहाँ पे आए और मैं आज यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ हूँ एज एसपी रूरल, उसके लिए इन सबका बहुत शुक्रगुजार है कि इस मान करना साढ़े साहब ने एसपी साहब ने इस इलाके का बच्चे काम किया, नौजवानों की नशे को बड़ा सारा दूर रखा और नौजवानों की कुश्ती लैन पर कबड्डी लैन पर और बहुत अच्छी लैन पर बच्चे ने लाया, बहुत अच्छा संदेशा जो एसपी साहब ने इलाके का बच्चे दिता, अस बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हाँ। अज हजार साहब बारे संख्या जी आई दी है, सारे लोग इनका स्वागत करने वास्ते आए दिन, ये कन्ने के साढ़े एस पी साहब ने एक संदेशा रखा भाई, जोड़ा भी श्रीनगर का बच्चे माहौल खराब होया, जोड़े साढ़े बेल्ट फोर्स के नौजवान मारे गए उनके वास्ते एक भगवान और काली माता दी मूर्ति लाई आ, उनके लिए पूजा पाठ का एक थोड़ा उनके लिए वक्त रखा, पर साढ़े सारे लोग ने जोड़े भगवान अगर प्रार्थना करन, जोड़े साढ़े नौजवान शहीद होए वो अमर होने चाहिए और भगवान उन्हें सदा अमर रखा और सुख और शांति मिले, और ये कन्ने साहब ने संदेशा दिता भाई जोड़ा साढ़े जम्मू के लोग न ये भड़कने नहीं चाहिए हैं, जिन्हें लोगों गलत काम किया वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर साहब, राष्ट्रपति जी, वो देश वास्ते सोचने वास्ते साड़ी बेल्ट फोर्स सारी लगी दी है, असें बेल्ट फोर्स का साथ देना चाहिए, अस ऐसा नहीं करिए भाई आपे बिच्चे भन्न त्रोड़ करिए, बेल्ट फोर्स साढ़े कने बिजी रवे और जो दुश्मन देश की जवाब देना हो वो नहीं दे सके, क्यों असें बेल्ट फोर्स का उल्टा साथ देना चाहिए, असें बेल्ट फोर्स की तंग नहीं करना चाहिए, जिन्हें लोगों गलत काम किया जवाब है जोड़ा बेल्ट फोर्स साड़ी जरूर लैग। अफसर मिलना बड़ा मुश्किल है,
एसपी साहब तुस भुली सकदे ओ असेंगी, तुस भुली सकदे ओ असेंगी, लेकिन अस तुसें नहीं भुली सकदे। नगरपालिका दफ्तर राजौरी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नगरपालिका के कर्मचारियों व अन्य लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकियों के मददगारों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर सभी ने सुरक्षा बलों के मनोबल बढ़ाने का भी संकल्प लिया ताकि आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान को सफल बनाया जा सके। एमएलसी विबोध गुप्ता ने पाकिस्तान के हमदर्दों पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जो नेता व आम लोग पाकिस्तान के हमदर्द बने हुए हैं उनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। जम्मू शहर में तनावपूर्ण स्थिति पर उन्होंने प्रशासन से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के अध्यक्ष आरिफ जाट ने शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि राजौरी ने कायर हमले के दौरान अपने बहादुर बेटे को भी खो दिया है। उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और भाईचारे को कायम रखने का भी आग्रह किया। पाकिस्तान ने जो एक कायराना हमला किया उसको लेकर पूरे देश के अंदर धरने, प्रदर्शन, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत म्यूनसिपैलिटी राजौरी जो है उन्होंने भी आज श्रद्धांजलि का यहाँ पर कार्यक्रम रखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे नसीर अहमद जो है वो 40 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसमें नसीर अहमद भी जो है वो शहीद हुए हैं। आज के दिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति की बहाली हो, शांति आए, और उसके लिए वो लोग जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको टारगेट करके आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजने की ज़रूरत है, तभी शांति हो सकती है। जिन लोगों ने इस हमले के ऊपर जश्न मनाया, इस हमले को लेकर खुशियां मनाई और जम्मू जैसी जगह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। राजौरी के अंदर 2 मिनट का एक कंडोलेंस किया है कि जितने भी हमारे जो जवान यहाँ शहीद हुए हैं पुलवामा अटैक में, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं और उनके उस दुख में म्यूनसिपल कमेटी राजौरी और पूरी रियासत और पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। और जहाँ तक बात यह है कि राजौरी जो म्यूनसिपल्टी है उसका एक ये पैगाम है अपने यहाँ के लोगों को और पूरी रियासत के लोगों को कि आप किसी भी इस तरह की अफरा तफरी में ना जाएँ जिससे हमारी रियासत के हालात ख़राब हों, और यहाँ के जो लोगों का एक भाईचारा है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर, उस भाईचारे को मज़ीद मजबूती मिले। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में गवर्नर साहब ने कितने अच्छे कुछ फैसले किए हैं जिससे आम लोगों तक के फ़ायदे की बात सामने आई है। जो चीज़ें हम बरसों से हम मांग रहे थे लेकिन सियासत की बिना पे हमें मिल नहीं पा रही थी, आज गवर्नर इंतज़ामिया ने और हमारी यहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन थी, जिसमें मैं ख़ास तौर पर एमएलसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हमें वो चीज़ें मिल पाई हैं जो हमें हम सोचते थे कभी कि शायद कभी नहीं मिल पाएंगी, ये सिर्फ एक इश्यूज़ हैं और अब लोगों ने लगभग उनसे उम्मीदें भी छोड़ी हुई थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा अमन और भाईचारा बरकरार रहेगा, हमारी और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे राजौरी और पुंछ के लोगों को मिलनी दरकार हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने शहर के अंदर, अपने इलाकों के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर आपसी भाईचारा जितना मजबूती से हम बनाए रखेंगे। और हमें ये चाहिए कि जो जिस तरह से हमें अभी एमएलसी साहब कह रहे थे कि जो चीज़ें हमें बॉर्डर पर जवाब देने की ज़रूरत है, जो मुल्कों के दरमियान जो अपना जवाब देने की ज़रूरत है, उसको हम अपने मोहल्लों के अंदर, अपने शहरों के अंदर और अपने घरों में उन चीज़ों को ना लाएँ ताकि हमारे अंदर कोई ऐसी नाइंसाफ़ी आए जिससे यहाँ पर कोई ऐसा कोई हालात बने ताकि हम लोग जो अपना जो एक रास्ता और जिस मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें कोई रुकावट बने। आज सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में हुआ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इसके कारण राज्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों पर राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश के आरोप भी लगाए। जम्मू में पिछले 5 दिनों से जारी कर्फ्यू के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ऐसी परिस्थिति में सभी को एक साथ खड़े होकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। वहीं उन्होंने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें पहले ही शहर के संवेदनशील इलाकों में फोर्सेस को तैनात करना चाहिए था। अफसोसनाक सूरत हाल बनी है,
देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर हमारी रियासत जम्मू में पुलवामा के ट्रेजेडी के बाद हमारी जो एक रीत रही है, रिवायतें रही हैं भाईचारे की, कई अनासिर, कुछ एलिमेंट शरपसंद लोग उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बीच, जनता के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान है कश्मीरी लोगों का भी, जम्मू के लोगों का भी, हर कम्युनिटी के साथ जो रहने वाले लोग हैं उनकी तिजारत पर असर पड़ेगा और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बीमार हस्पताल तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो इस सूरत हाल ने पूरी समाजी ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। आज मौका है कि हर जी होश इंसान सामने आ जाए, जबान खोले और भाईचारा कायम रखने के लिए जो भी मकदूर भर कोशिश मुमकिन है वो करे। आज सियासत गरी की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, कब क्या होगा, लेकिन ये जो बदनसीब सूरत हाल है इसका फ़ायदा ना उठाया जाए हकीर सियासी मुफादात की खातिर। ये हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के भी खिलाफ हैं और ये मुल्क के मुफाद के खिलाफ भी है। पॉलिटिकल पार्टी से, सब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, सिविल सोसाइटी से क्या सामने आ जाए। अमन हमारे हित में है, हमारे हक में है। जो लोग जुनून पैदा करने की कोशिश करते हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, फिरकादाराना फसादात करना चाहते हैं, उनका मकसद जनता की बहबूदी नहीं, अवाम की बहबूदी नहीं, मुल्क की बहबूदी नहीं, उनकी मुफाद कुर्सी का है। गत दिवस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर चैम्बर के प्रधान राकेश गुप्ता ने डीजीपी दिलबाग सिंह को संबोधित करते हुए राज्य के साइबर सेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने वालों की अभी तक धरपकड़ नहीं हुई है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने इस अवसर पर शहीदों की विधवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग रखी। और एफिशिएंट लोग वहां लगाएं ताकि ये हिंदुस्तान के ऊपर जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं उनको बिहाइंड द बार्स डाला जाए। बजट मेरी अपील है तमाम जम्मू के नागरिकों से और रियासत के पूरे नागरिकों से, खासकर कश्मीर में भाइयों को, र्यूमर्स पर मत जाइए। यहाँ पे सब लोग सिक्योर हैं, सारी कम्युनिटी सिक्योर हैं और यहाँ पे सारे लोग हर उस इंसान की परेशानी में काम आने को तैयार हैं जब भी कोई कॉन्टैक्ट करता है। ये जो र्यूमर्स छोड़े जाते हैं, यहाँ वो हो गया, यहाँ वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी कश्मीर के भाइयों से अपील है कि आपने उन भाइयों को वार्न कर दीजिए और कॉशन कीजिए कि ये जम्मू है, यहाँ पे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की ना तो जगह है और ना ही कोई नारा मारने की इजाज़त देंगे। इन्हीं नारों ने यहाँ पे माहौल खराब किया है, लेकिन हम वचनबद्ध हैं सारी कम्युनिटीज जम्मू की कि इस एंटी नेशनल एलिमेंट को जल्द से जल्द पुलिस के साथ मिलकर दर्द पहुँचा जाएगा और इस जो सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ क्रिएट की है और हालात खराब किए हैं, ऐसे हालात नहीं बनने दिए जाएंगे। कि जो लोग रियासत को बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेंट्रल बेल्ट फोर्सेस में काम करता है और उसकी शहादत होती है, और अगर वो शादीशुदा है तो उनकी बेवा को स्टेट का जवाब दिया जाए इमीडिएटली और ये परमानेंट बेसिस पे लॉ बनाया जाए। और फर्स्ट केस में जो नज़ीर अहमद राजौरी से मार्टियर हुए हैं उनकी बेवा को जॉब दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस तो जॉब देती हैं मगर हमारी यहाँ की बच्चियाँ हिंदुस्तान में छोटे बच्चे लेके इतनी जगह नहीं जा सकते क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। और ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड सेटर होगा और एक बहुत बड़ा उपकार होगा अगर गवर्नर महोदय अपने रियासती इंतजामिया के थ्रू ये एक सर्विस रूल्स में इंडक्ट करें ये क्लॉज, तो हम उनका शुक्रगुजार होंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा पर सबूत दो, कार्रवाई की गारंटी मैं लेता हूं, कहा इमरान खान ने। कश्मीरी माताएं कराएं आतंकी बेटों को सरेंडर, वरना जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा, कहा सेना ने।
पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, मेजर समेत 5 जवान शहीद, एनकाउंटर खत्म। और सुधरते हालात को देख शहर में 5वें दिन कर्फ्यू में दी गई ढील। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।